गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल। सवेरे दे 7 बज गए, पूरी धुंद आ जोरां शोरां ते। आ सीगा साडा होटल गौतम बुद्धा, होटल गौतम बुद्धा। ते बाहर अंसारी जी सन लैण आ गए, ठीक है जी। वह भी तैयार बर तैयार ने। अभी जावे रेडियो स्टेशन, जिहड़ा इत्थे दा लोकल रेडियो स्टेशन है। असीं 1 किलोमीटर पैदल चले, थोड़ा वार्म अप भी हो गए। पैदल चल के असीं इस जगह पर पहुंचे हाँ। इत्थे एक रेडियो स्टेशन है, शायद तुहानूं टावर दिखदा होवे छोटा जिहा। रेडियो स्टेशन ते अज मुलाकात करांगे असीं रेडियो जॉकी। वो कुछ गल्लां बातां करनगे ते पूरे नेपाल नाल आपां सांझियां करांगे गल्लां बातां। हुण चलदे हां उपर। लिपि में कहा है कि जिगर आंख से अब जानो उपचार नहीं हुई। जिगर नेपाल और भारत अथवा विश्व में लुईस ब्रेल दोनों लिपि आविष्कार करे है, उन लिपि के मार्फत से पढ़ाई होता है। ओके, तो हमन के यहाँ कपिलवस्तु में 3 जगह में विद्यालय है। अच्छा। और आपके गोरखपुर में भी है विद्यालय, ठीक है, वहाँ भी पढ़ाई होता है। महाकाली तक साइकिल के चयन है, हम लोग ही सबसे जुड़ा गया। वहाँ हमर के साइकिल मित्र जब आप लोगों के वेलकम करें तो हम में भी फोन करें कि ऐसा है, दो व्यक्ति साइकिल भ्रमण में निकला है, विश्व साइकिल यात्री निकला है। इन सबके आप लोग भी वहाँ जाके स्वागत करा जाए, जहाँ जहाँ जाइए वहाँ वहाँ आप इन लोगों के स्वागत करा जाए। उस हिसाब से हमें मौका मिला, हम यहाँ से गए हैं गोरसिंगिया, आप लोगों के रिसीव करें, फोन करें, रिसीव करें, वहाँ से लेके आए बुद्धा होटल में आप लोगों के ठहरे के लिए इंतजाम करा जाए। जितेंद्र जी, आप ये साइकिल यात्रा विश्व के लिए कैसे तय करा गए? पाला रहा ना, ठीक है, वो हरा गया है ओकर नाते ऐसे। अच्छा, ये स्पेशल इना दा फ्रेम हैगा, एक पिक्चर बनया है जिदे विच पेपर रख के उत्तों पेन दे नाल उच सराख कढ़दे ने, और सराख किथे किथे कढ़ने ने एक अक्षरां दा पैटर्न हुंदा है। हुण लिखी जा रहे ने, इन्ना दिमाग सब पता केड़ी जगह ते कित्थे सराख करना। अच्छा, ये लिखी भी उल्टी जाती है इधर से। हाँ, अब यहाँ आई है ना। अच्छा, सीधी होगी। अच्छा अच्छा, घुमाकर सीधी होगी। हाँ, जितेंद्र सिंह, वेरी गुड, ठीक है। आ इत्थे ना टच कर दिता, देखो इत्थे उभार आ गए ने, ते इन्हां नूं पता भी पहले अक्षर नूं किवें छूणा। तुसीं गौर कीती होणी आ, जिन्नियां भी पब्लिक स्विचेस होंदे ने, जिवें हो गए कोई एरोप्लेन दे विच किते स्विच लगी आ, या किते टेलीफोन हो गया, या तुसी देखिया होना लिफ्टां दे विच, हर स्विच दे विच थोनू ना उभरे हुए कुछ डॉट नज़र आणगे। वो डॉट इसे वास्ते होंदे आ वी जिहनूं नहीं दिखाई दे रहा, वो छू के पता कर लवे ये स्विच किन्ने नंबर वाली आ। ब्रेन लिपि, चलो ठीक है, अभी बात कर सकते हैं सर? जी जी। हाँ, क्या नाम है आपका? बैठिए। मेरा नाम ओरीराम चौरसिया जी। तो हमने देखा आप तो बहुत फटाफट बातें करते हो, लिखते हो, बोलते हो, और पढ़ पढ़ के ऐसे हाथ लगा के पढ़ के हमसे बातें भी कर रहे थे। कैसा कैसे है ये सारा बताओ आप। ये क्या है? ब्रेल लिपि, जो नेत्र लोग पढ़ते हैं जी, वो ब्रेल लिपि के माध्यम से एक क्वेश्चन प्रश्न तैयार करके आप कैसे आइडिया लगाते हो कि किसको क्या पूछना है, कौन आ गया, क्या प्रोग्राम का टाइम हुआ, कब खत्म हुआ? अब जैसे कहा है कि यहाँ संकेत धुन से तो हो ही जाता है, और क्वेश्चन तो विषय वस्तु जो हिसाब के आप सबके यात्रा कहा गया शरीर दान करे हैं, तो हिसाब के विषय वस्तु केंद्रित तो हो पड़ा उतना। अब हमारे का अध्ययन डिग्री तक है, अभी रनिंग है, तो वो आधार पे तो विषय वस्तु के गहराई अनुसार तो मालूम चल ही जाए कि इतना है। हम रेडियो में काम कर भी 12-13 बरस हो गया है। ओके। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन है, आपको ये आंखों की प्रॉब्लम कब से है? जन्म जाते हैं। शुरू से एक बार भी आपने जिंदगी को नहीं देखा? वो शुरू में बाप महतारी बताओ था कि देखत रहे हो, बगैर अपने का अनुभव कुछ नहीं है। आपको कुछ याद नहीं है कि जिंदगी कैसी होती है? हाँ, वो सुनाई देखे मौका नहीं मिला, अपने अनुभव नहीं है। ठीक ठीक ठीक। जो आपने डॉक्टर को कभी क्या कि पीछे से कोई लाइट प्रॉब्लम, डॉक्टर ने क्या क्या? डॉक्टर से तो तमाम जगह दिखा हुआ गए, डॉक्टर लोग से अब इलाज नहीं है कहीं के बाद है। ठीक है, मतलब इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि पीछे से लाइट ही बंद हो चुकी है।
अब नशा जब खराब हो गया है डैमेज, तो नशा जब खराब हो जाए तो काम नहीं लगी, खाली कॉर्निया बस तो चेंज होता है। अब और कॉर्निया हमारे भी सही है, कॉर्निया दान हम दे सके था। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बड़े बहुत बड़ी बात की आपने जो कहा कि कॉर्निया मेरा आप लेके जाओ, हमजा भाई उसके लिए ये जगह जड़ी है जिथे तौले हवा कहते हैं तो कहते चलो चाह पी लो, चाह पी के जलेबियाँ बन रही गर्मा गर्म, क्या जलेबियाँ खाओ ठंड च, चलो जलेबियाँ खाइए। बिल्कुल तैयार बर तैयार जलेबियाँ कड़ियाँ पी, चाह पिओगे तो जलेबियाँ खावे। जिमें तुसी देखिया हुण असी रेडियो स्टूडियो तो बहर आ गए, तो किदा उन्होंने मतलब ट्रबल फ्री कन्वरसेशन करते ने, दिखता भी नहीं फिर भी वह बिल्कुल एन फराटेदार गल्ला करते हैं लिखते ने। उस तो बाद असी इधर पैदल मार्केट च आए हैं, तो इत्थे नमस्ते जी, शंकर जी बहुत सही आदमी, कमांडर रेथो दे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दे। गाड़ी में 500 रुपया पर डे है, बाइक में शायद 100 रुपया पर डे। अच्छा अच्छा, मतलब नेपाल में अगर किसी ने अपनी गाड़ी से घूमना है तो 500 रुपया पर डे देना होगा, पर डे देना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, 500 रुपया पर डे आपकी गाड़ी चा सकते हो, नेपाल घूम सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। नेपाली 500 रुपया लगूगा, 300 रुपया तकरीबन 300 रुपया इंडियन। असी जा रहे थे गल्ला बातें कर रहे थे, हाँ हाँ, कहिंदे कि इत्थे जिहड़े व्हीकल ने 300% एक्साइज ड्यूटी लगती है, इस करके ते व्हीकल बहुत घट ने, इस करके साइकिल नू बहुत प्रमोशन इसे करके मिली हुई है। मतलब जिहड़ी चीज कह लो कि इंडिया दे जिहड़ी गड्डी बैठे हुण इह 5 लाख दी है इंडिया च, इत्थे कहिंदे असीं इह 27 लाख दी खरीदी है नेपाली करंसी दे विच, ते उह होर कोई कहिंदे कोई चारा नहीं हैगा। हाँ, एक हुण इलैक्ट्रिक दी दुनिया आ रही है, इलैक्ट्रिक व्हीकल आ रहे ने, ते उह इक वारी चार्ज करो ते 200 किलोमीटर तक जांदी है। हुण टाटा ने भी एक कड्डी आ, कहिंदे 500 किलोमीटर तक जाऊगी। आने वाला भविख जिहड़ा हैगा इह इलैक्ट्रिक व्हीकल दा ही होण वाला, डीजल कार्स तां खत्म हो गईआं, पेट्रोल भी खत्म हो जाएगियां, तो जो तक गौरमेंट टैक्स लगाऊगी इन्ना फिर तो पॉसीबल नहीं है इतने कोई खरीद सके इदा का। हाँ, जोड़े कोई एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट ने ट्रैक्टर वैक्टर इन्हों का एक्साइज ड्यूटी घट आ, क्योंकि इतने खेतीबाड़ी भी करते हैं ना, फिर उदा के इंस्ट्रूमेंट उन्होंने चाहिए, गौरमेंट थोड़ी सपोर्ट कर दी है इतने। ਅਸੀਂ ਆਹ ਹੁਣੇ ਆਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਐਂ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਅਨਾਰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਐਂ ਲਾ ਕੇ ਐਂ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭੱਜ ਲਓ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, 7 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਇੰਨਾ ਰੁੱਝ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਰੂਮ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਧੇ ਕੁ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਕੁ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹ ਚੂ ਪੀ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ। ਚਲੋ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੱਜ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ
ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲੂਗਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਲੁੰਬਿਨੀ ਲੁੰਬਿਨੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਬੁੱਟਵਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਟਵਲ ਹਾਂ ਬੁੱਟਵਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਇਨ ਕਲੱਬ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਚ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਈਏ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੁੱਟਵਲ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬੁੱਟਵਲ ਰੁਕਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਲਵੇ ਲੱਗ ਜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਟੇਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਏ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਤਾ ਨੀ ਗਲਤੀ ਕਵਾਂ ਕੀ ਅਸਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸਿਆ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਰਥਡੇ ਕਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਕਰ ਭੇਜ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੀ ਸੀਗੇ ਟੂਰ ਵਾਸਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਥਡੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਭਰਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਡੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 7 ਫਰਵਰੀ 1975 ਉੱਥੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ 2 ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚਾਹੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਆ ਉਹ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਠਮੰਡੂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਲੇਟ ਫੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਹੋਏ ਗਈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ 3 4 5 6 7 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਦਿਨ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਚੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਯੂਪੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯੂਪੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੇ ਨੇ ਬੋਲਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਖੇਤ ਵੀ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦਰ ਨਗਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਏਦਾਂ ਪੈਰਲਰ ਪੈਰਲਰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਜਮੇ ਆਪਣਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਮੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਇੱਥੋਂ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਊਗਾ ਉਵੇਂ ਦੱਸੀ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਂਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਮੇਡ ਇਨ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਜਰਮਨ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਮੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਹੈ 8848 ਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਚਨ ਜੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ 7-8 ਚੋਟੀਆਂ ਨੇ 10 ਚੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀਆਂ ਚੋਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਓਕੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਸਵੀਟ ਡ੍ਰੀਮ दोस्ती करेंगे उसके बाद जिस अंग को दूसरे के लिए जीवने के लिए
वो रहेगा उसको ट्रांसफर करने का आपका अभियान है कि हम सबको ये लगे लग जाए ये वाइब्रेशन आपको भी मिल जाए इसके लिए आपको ये बहुत थैंक यू पहले के लिए हमारा आपको क्या है ब्रिटिश ये दो लाइंस का इंटरनेशनल पी है इंटरनेशनल प्रेस दुनिया में मैं एक डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर हूँ वो 700 डिस्ट्रिक्ट है वर्ल्ड में 200 से ज़्यादा कंट्री में है ये लाइन तो हमारा 14.5 लाख मेंबर है वो लोग उसका प्रेसिडेंट है वो क्या बोलता है कि सर्विस फ्रॉम द हार्ट जो आपने किया है ठीक है आपने किसी को तो आपको नहीं बोला क्या कर रहा है माँ भी नहीं बोला आप बोला अपना हृदय से आया ही तो आप चल रहा है ठीक है इसका नारा यही है और ये मेरा डिस्ट्रिक्ट का नारा क्या है ये स्लोगन बिलीव योरसेल्फ आपको हृदय में ये संभव है मैं सकता हूँ लग के आप चल रहा है ठीक है दूसरा से नहीं आपसे ठीक है ये मेरा स्लोगन है मैं ऐसी तरह आपको संदेश दे रहा हूँ समझो मेरा इंटरनेशनल प्रेजेंट हमारा जो करना है किसी को दूसरे से बोल रहे थे दूसरा पांच मिनट मोटिवेशन करते ये नहीं होगा करने से आपका दिल से करने से होगा इंटरव्यू जस्ट 2-4-5 मिनट के लिए आपको ये भ्रम भरेगा दूसरा चीज आपके अंदर से आप ये बोलता है ये पेज मैं खूब सम्मान करूंगा ये भी हम 500 में एक आदमी को लगाएंगे ठीक है इतना ज्यादा मिलेगा भी नहीं हमको भी ठीक है बहुत अच्छा मैसेज है टाइम की शॉर्टेज थे पूरा दिन भी हम नेपाल के जो हॉस्पिटल और कम्युनिकेशन कर सकते हैं हम लोग आपको भी आपके कुछ नेपाल में जहाँ भी जाएंगे आप लोग तो हमको कॉन्टेक्ट करना है कि आपको कोई प्रॉब्लम जब प्रॉब्लम होगा तो मेरा होम टाउन आपका साक्षण जा रहा है मेरा होम टाउन चितौन है चितौन की आपको मिडिल पार्ट है तो उधर पहुँचेंगे रात हो गया सुबह हो गया तो हमको कॉल करना है ठीक है हम आपको लेकर देंगे थैंक यू सो मच देखो कि मैं गिरदे के रखता हूँ हवा चल दी है ना कल्ला कल्ला पत्ता है गिरदा जा रहा सुक्का पत्ता इतने जिन्नी भी यह दीवारा ने बहुत पुरानिया ने कई सदियाँ पुरानिया पर इन्होंने उपर ना इट्टा लगा के उन्हें कवर करता ताकि बिचों जी धरोहर होंगी है पुरानी वो वेस्ट ना हो वे खराब ना कोई करे ये क्या पश्चिमी दीवार जी नीचे इंग्लिश में भी है ना हाँ
प्राचीन नगर कपिल वस्तु सिलोराटो ये आपका दिया है, इसमें पर्चे उसका दिया। ये मतलब प्राचीन जिवें हुंदा ना खुदाई करन तों बाद च विचों फिर इन्हां ने कढ़िया सारा कुछ इदां दा प्राचीन इत्थों भांडे औजार सब निकले। ये सारी उहदी हिस्टरी बनाई हुई है वी किस जगह ते हैगा की हैगा। मतलब ये सारा पुराना ही बनया होया, बहुत पुराना। किन्ना पुराना? कौन से दीवार? ये गेट। अच्छा, ये गेट है जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? गेट है ये आपका, ये वाल जो है ये 10 फीट चौड़ा। हाँ, 10 फीट ऊपर। कौन सी वाल, किधर है वाल? ये वाल, ये जो संरचना सिर्फ है ये वाली। अच्छा अच्छा, ये दीवार थी, ये चौड़ाई जो है ये दीवार थी, अब ये नीची हो चुकी है। ठीक है, ओके ओके, 10 फीट की ये चौड़ाई। ठीक है, सी 12 किलोमीटर अगे आ गए लायंस क्लब तो। 12 किलोमीटर अगे जा रहे सी लुमनी वाल नूं, जिथे बुद्ध जी का जन्म स्थान दस रहे ने, बहुत बड़ा इत्थे मंदिर बनया होया। इधरले पासे असी आ रहे हैं, इधरले पासे नूं असी जा रहे हैं। इत्थे थोड़ा जिहा खुल्ला जिहा 5 मिंट की रैसट लैण लगी, तो रैसट दे नाल थोड़ा जिहा ये भी लवांगे, इहदा एनर्जी आऊगी। कि अज साडा बड़ा तकड़ा स्वागत होया पूरे ट्रिप दे विच। स्वागत ये होया कि हवा जिहड़ी हैगी आ हुण जिधर नूं जा रहा उधरों सानूं इधर नूं हवा मिल रही आ, पूरी जोरां ते हैगी हवा, बिल्कुल जोर ला के भी 10 किलोमीटर की स्पीड बन रही, इस तों वध नहीं बनदी। ते फिर भी आपां हवा नूं फील करा निकलांगे। हाँ, अच्छा डाड़ा हैगा, देख लो पिछे नहीं जा रहा, पिछे नूं हवा। इस करके असीं भी तेज हाँ, तिखे हाँ। असी अपना रॉकेट जिहड़ा हैगा डीजल ते करा लिया। आ देखो पेट्रोल दीआं टैंकियां लग गईआं, एक आ लग गई। ठीक है, हुण अगले स्टेशन ते जाके मिलदे आ तुहानूं। लुंबनी जिला हैगा ते अगे परसा, बस परसे तों मुड़ना सी। ये आले दुआले सारा पुराना राजे दा जो बणिआ सी उहनूं संभाल के रख्या इहनां ने, थोड़ा जिहा साफ सुथरा काम शुरू हो गया हुण। शहर बंदा तो वधिया बनया है ना, ग्रिल ग्रुल लगी हुई, देखने में वधिया लगता। हवा का अंदाजा ला लो, असी इधर नू जाना, देखो झंडा खड़े साइकिल का कितनी तेज हिलदा, और जमी इधर नू हिल रहा। इहनू कहिंदे हैडविंड, हवा मतलब के सिर नू वजदी है जिहड़ी। साइकलिस्ट लई इह इक चैलेंज हुंदा, ते तुहाडियां दुआवां दे नाल असी इह चैलेंज नू बिल्कुल अक्सैप्ट कर रहे हां, ते उहदे हिसाब नाल खिंची जांदे हां। स्पीड जरूर घट गई पर नज़ारा उन्ना ही आ, इंजॉय उन्ना ही हो रहा। स्पीड साड़ी होनी आ सारी कोई 8 किलोमीटर प्रति घंटे दी, क्योंकि हवा नू चीरदे होए ने जाना साढ़े रॉकेट ने। तो ये हुण इत्थों लुंबनी, वह सामने बोर्ड लगे लुंबनी असी जाना, लुंबनी 2 किलोमीटर रह गया जिथे महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान आ। चलो थोनू हुण उत्थे लैके चलते हैं लुंबनी। सारे खेतीबाड़ी दे औजार इत्थे, मतलब कि लगता ही नहीं नेपाल चा जिहड़ा हुण एरिया फिरदे ना इत्थे, ये तो नेपाल लगता ही नहीं, ये मतलब उत्तर प्रदेश यूपी लगता, पूरा ठेठ यूपी समझ लो। आए हैं बस, ये बंदे भी ओह जे, गलबात भी ओह जी, दुकाना ना भी ओह जे, यादव कुमार केशव इदा के नाम ने। इतने सानू वही रेट पुछण लग गए किन्ने का हैगा, ये पहला घट गया से कम। चलो आप भी आपके कम के कितने उत्तर दे जाने इन्होंने हो। असी आ गए इतने परसा, जगह का नाम पैंदा परसा, 30-32 किलोमीटर असी आ चुके हैं हवा में चीरते हुए। स्पीड साड़ी बस उही 8-10 किलोमीटर की बन रही है, तो ज़्यादा स्पीड नहीं बनी। जितेंद्र कितना टाइम होया देखी? किन्ने
यानी कुल मना के स्पीड साड़ी कोई ज्यादा नहीं बन रही। इतने हम दस रहे हैं कि अगे मंदिर जोड़ा है वो अगे है, मंदिर इतने कई ने, जापानी मंदिर भी ने, एक इतने है माया देवी टेंपल है, सारे ने सारे ने, पर सानू ये नहीं पता लग्या भी असी कित्थे जाना है। नासिर जी ने दस्या सीगा कि इत्थे हर देश का एक मंदिर बनया होया, जिवें जापान का भी बनया होया, चाइना का भी बनया होया, इंडिया का भी बनया होया, नेपालिया का चल हैगा ही हैगा, इदा सब का बनया है। जिहड़े बुद्ध नूं प्यार करदे ने उन्होंने आपदा आपदा मंदिर बना रख्या। हुण असी क्लीयर नहीं कर पाए असी किहड़े मंदिर जाणा, साडा मंदिर किहड़ा हैगा, ਉਹ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਟੂਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ।